आपके इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपके विश्वविद्यालय के कुलपति को इस बार सर्वश्रेष्ठ कुलपति का पुरस्कार आज का कवि जिसको आज इन्होंने प्रदान किया है, तो ये चीज जो सर धन्यवाद है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि जर्नलिज्म के इंचार्ज सर प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी अंगवस्त्र देकर डॉक्टर आर पी सिंह जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर आर पी सिंह जी जुड़े हुए हैं, वे काफी वर्ष पत्रकार हैं, 3 दशक से अधिक का उनका पत्रकारिता का अनुभव रहा है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर वो हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए उनका तमाम दिल से आभार। और यहाँ पर विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, कई सारे विभागों के लोग यहाँ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त इसके बारे में रूपरेखा बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी पत्रकारिता अवसर और चुनौतियाँ विषय पर उन्होंने बोलने के लिए बात रखी थी, लेकिन उनका ये सर का ये कहना था आर पी सिंह सर का कि दरअसल ये एक डायलॉग ही होगा, एक संवाद होगा। बहुत पुराने समय से, प्लेटो के समय से इस संवाद की परंपरा रही है, चाहे वेस्ट में हो या हमारे यहाँ हो, तो निश्चित रूप से संवाद एक बहुत सशक्त माध्यम होता है जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किसी प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं। इस संदर्भ में सर हमारे साथ जुड़े हैं जो इंडिया टुडे, आज तक, राष्ट्रीय सहारा, आउटलुक में तमाम पदों पर, ब्यूरो चीफ, सह संपादक जैसे तमाम पदों पर वो काम कर चुके हैं। आज का कर्मवीर से भी वो जुड़े हुए हैं अभी संपादक के क्षेत्र में। और इसके अलावा सर के बगल में प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी जो इतिहास के प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, विभाग के प्रोफेसर हैं और विजिटिंग फैकल्टी हैं। साथ में डॉक्टर शैलेंद्र जी जिनके सानिध्य में हम लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जिन्होंने सर का कॉन्टैक्ट दिया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये बोला कि इसको आप लोग लाभ उठा सकते हैं और वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते रहे कि कार्यक्रम किस दिशा में आगे जा रहा है। राहुल जी जुड़े हुए हैं, वो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हैं यहाँ, कुछ सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर प्रियंका कुमारी मैम, डॉक्टर दिव्या मिश्रा मैम, दोनों लोग पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यहाँ पर कुछ क्लासेस वो लोग कुछ सेमेस्टर्स में ले रही हैं। इसके अलावा कुछ और टीचर्स हैं जो आएंगे, पत्रकारिता के छात्र हैं, इतिहास के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, हिंदी के छात्र हैं, लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं, कई सारे छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं औपचारिक डॉक्टर शैलेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि वे मंच पर आएं और हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत और परिचय करें। डॉक्टर अहमद जहां मैम का भी मैं स्वागत करता हूँ। इंग्लिश विभाग की प्रोफेसर हैं और वर्तमान में डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज भी हैं। थैंक यू प्रकाश। आज ऑफिशियली मैं 20 दिनों बाद बोल पा रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। मेरी आवाज़ ही बिल्कुल चली गई, बहुत एक्यूट थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और आपके कार्यक्रम से शुरुआत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज के जो हमारे वक्ता हैं और हमारे मगध विश्वविद्यालय परिवार हमारे बीच में, हमारे सर्वोच्च अकेडमिक पद पर आसीन प्रोफेसर अहमद जहाँ भी सीनियर प्रोफेसर हमारे और डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर विद्या जी, डॉक्टर राहुल जी, हमारे प्यारे विद्यार्थी, ये बड़ा सुखद संयोग है कि मुझे शॉर्ट नोटिस के परसों कुलपति जी का एक निर्देश प्राप्त हुआ कि माने आर पी सिंह जी आ रहे हैं और आप इनको मिलिएगा, स्वागत करेंगे। तो स्वागत के क्रम में हमने ये अवसर चुरा लिया कि आपके आज सुबह आपके कुलपति जी के आवास पे कार्यक्रम था और किसी ने कहा कि आप ये संबोधन करेंगे। आपको तो इनके परिचय के रूप में क्या हम बताएं, क्योंकि आपका जो ये जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो फील्ड है तो ये उस फील्ड के बिग डैडीज में से एक, जो मैं इनको अगर याद करूँ तो आज के 20 साल पहले जब हम भी आप लोगों की तरह विद्यार्थी ऐसे तो कभी कभी इनका नाम हम लोग लखनऊ में सुनते थे किसी की से बातें,
पत्रकारिता में एक स्पेशलाइजेशन आपका, तो बड़े बड़े हाउसेज आपने सुने, इंडिया टुडे और आउटलुक बहुत बड़े पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आप हैं, और अभी आपका प्रेडिक्शन जो मुंबई में सरकार का हेयर फेयर हुआ उसको बहुत पहले इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, और मुख्यमंत्री भी हैं शिंदे साहब, और आमची मुंबई में एक घर घर में जाना जाने वाला नाम है इनका, बहुत ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता आप करते हैं और बड़ा सम्मान है। तो आपके लिए जो आपका वक्तव्य होगा वो एक उचित पाथे आपको मिले। मेरी तो हार्दिक इच्छा बस यही थी कि ये बच्चे देखें कि पत्रकार बनेंगे या जो जनसंचार के इस पेशे में जब वो जाएंगे तो पेशेगत नैतिकता क्या होती है, एक पत्रकार का जीवन कितनी चुनौतियों से भरा होता है। आपने देश से लेकर विदेश तक, अभी आप बहुत सारे मीडिया हाउसेस में आप बोर्ड मेंबर हैं, तो इसके अलावा एक बहुत सारे उनके परिचय, एक नेशनल अवार्ड के फाउंडर हैं, जिसकी जूरी में इस कंट्री के टॉप मोस्ट आईपीएस ऑफिसर, जजेज और वाइस चांसलर वर्धा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी भी इस बार शामिल हुए, बहुत सारे लोग उसमें, और पहला इंटरनेशनल संस्करण उसका इन्होंने विराजित किया, जो हीरोइन वगैरह आप सुनते सुष्मिता सेन, अदिति गोत्रीकर, इन सबसे इन्होंने हमें मिलवाया है व्यक्तिगत रूप से, जब मुंबई एक बार गए तो बड़ी खातिरदारी की। तो हर साल वो फंक्शन होता है, पूरे देश से नाम लिए जाते हैं अवार्ड के उस फंक्शन के। आपके विश्वविद्यालय के कुलपति को इस बार सर्वश्रेष्ठ कुलपति का पुरस्कार आज का कवि जिसको आज इन्होंने प्रदान किया है, तो ये चीज जो है हम क्या इनका परिचय कराएं, आप लोग इनसे सीखिए समझिए देश विदेश में कैसे काम करना है, कैसे लिंक बनाने होते हैं। पत्रकार दुधारी तलवार पर चलता है, सत्ता पक्ष के भी साथ है, विपक्ष के भी साथ है, समाज की भी आवाज़ है, अपनी अंतरात्मा की भी आवाज़ है, क्या कहना है, कब चुप रहना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये सब के मास्टर हैं, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपना दीजिए। और परिचय के बाद मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रहमत जहां मैं पुष्पगुच्छ देकर सर का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। इसके बाद मैं चाहूंगा कि जर्नलिज्म के चार सर प्रोफेसर पीयूष कुमार सिन्हा जी अंगवस्त्र देकर डॉक्टर आर पी सिंह जी का अभिनंदन करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर आर पी सिंह आप सबसे मुखातिब होंगे और एक संवाद के सिलसिले को शुरू करेंगे। मैं औपचारिक रूप से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं। सर, आपके इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का धन्यवाद अर्पित करता हूँ, उन्होंने पुरानी और इतनी बड़ी विश्वविद्यालय में आज हमको उपस्थित रहने का एक सुअवसर दिया। उसके साथ ही मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया और एक सुअवसर प्रदान किया। उसके साथ जो मेरे पास मेरे मांगने के बाद सूची आई है, उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, पीयूष कमल सिन्हा जी का, परम प्रकाश, दिव्या मिश्रा जी का, सचिन मांडवार जी का, राहुल कुमार का, नीरज कुमार जी का, और आप सब लोग प्रोफेसर हैं तो सबके डॉक्टर तो लगे ही हैं, तो सभी को डॉक्टर बोल देना। हम लोग जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में हम लोग बहुत शार्ट वर्डिंग में चलते हैं, और आप लोग आने वाले हैं साथ शार्ट हेडिंग जो राइटिंग है वही आपकी सबसे बड़ी यूएसपी होगी, और पत्रकारों ने ही सबसे पहले शार्ट राइटिंग शुरू किया, जिसको बाद में कई लोगों ने, चाहे पुलिस में रहे हों चाहे क्राइम में रहे हों, उन लोगों ने भी उसको अनुभव किया। नहीं तो लोग इतने व्याकरण से पढ़ाई होती थी जब हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे, तो उस समय इस तरह की पत्रकारिता में शुद्ध हिंदी लिखना, शुद्ध इंग्लिश लिखना, ग्रामर, इसका ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये पत्रकार ही हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को अलग तरीके से पेश किया और आज एक भाषा बनी है,
मैं लीन महोदय का आभार प्रकट करने के साथ मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ कि जिन यूनिवर्सिटीज में जिन इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाई किए, हम लोगों का एक ड्रीम रहे हैं वैसे डीन, वाइस चांसलर, चांसलर अगर हम लोगों को सम्मान देते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में ये होता है कि हमने एक कर्म किया है और उसी का फल है। तो आज के दिन में जो पत्रकारिता है उसको मैं कर्म से जोड़ के आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। और डॉक्टर सैलन ने हमारी बहुत सारी लंबी यात्रा का व्याख्यान आप लोगों से किए, लेकिन सच्चाई तो ये है पत्रकारिता में प्रतिदिन आपको खुद को तैयार करना होता है। और जो जिस दिन जो स्टोरी बना देता है और जो स्टोरी वो तभी याद की जाती है जो उनके जीवन की अपनी उपलब्धियाँ होती है। तो मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन में वो ये रही है कि जब मुंबई राइड्स हुआ था तो उस समय उस महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े नेता के रूप में, दबंग नेता के रूप में, हिंदी बेल्ट के लोगों के भाषा में दबंग आती है, हम लोग महाराष्ट्र में जो होता है कि एक बहुत ही हिंदुत्ववादी नेता थे बालासाहेब ठाकरे, जिनके इंटरव्यू के लिए पत्रकार अपने पूरे जीवन की सारे रिसोर्स लगाते थे वो नहीं देते थे, लेकिन मुझे वो एक सौभाग्य मिला था कि मैं टेलीफोन के ऊपर उनका इंटरव्यू 1993 में लिया था जब मुंबई राइड्स हुआ था, जो आज तक किसी को दूसरे को नसीब नहीं हुआ वो एक हम। इस तरह की जो उपलब्धियाँ होती हैं सच्चाई तो यही है कि यही आपको पत्रकार बनाती हैं और यही आपको सम्मान दिलाती है। लेकिन बेसिक इसका ये है क्योंकि विषय आज ऐसा है सुअवसर और चुनौतियाँ। सुअवसर तो मिल जाता है, आप इतना मान के चलिए जब आप कलम के सिपाही होंगे तो आपको सुअवसर बहुत मिलेगा, लेकिन सुअवसर को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपनी सफलता में कैसे इसको लेके जाएंगे, ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की जो पत्रकारिता है ये हमारे 25 साल पहले की पत्रकारिता से बहुत भिन्न है, क्योंकि आज आर्थिक राजनीतिक पावर ये दो चीज़ बहुत तेज़ी से आपको कंट्रोल करने के लिए तैयार है। और पत्रकारिता ऐसा है कि किसी के दबाव में पत्रकारिता करना वो पत्रकारिता नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि आज जो पत्रकारिता का जो स्थल है, जो संस्थान है, ये सारे संस्थान भी उन्हीं लोगों के पास हैं जिनके खिलाफ आपको कोई आवाज़ उठानी है, जिनके खिलाफ आपको सबूत जुटानी है, जिनके खिलाफ आपको प्रेजेंट करना है। क्या ये संभव है? क्योंकि आज के आर्थिक व्यवस्था में आपकी भी बहुत जरूरतें हैं। 25-30 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की आपके लेवल पे, तो हमारे साथ वो पत्रकार होते थे जिनको दिन की 10 रुपये की भी जरूरत नहीं, मतलब आर्थिक बर्डन हम लोगों को नहीं था। कोई भी कपड़ा पहन लिए, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट यूज कर लिए, तो हमारे लिए वो कोई समस्या नहीं था। और लेकिन ईमानदारी कूट कूट के भरी, आप सोचिए कि मैं ऐसे पत्रकारों के सानिध्य में रहा हूँ जो आज डिप्टी स्पीकर हैं, मैं ऐसे पत्रकारों के सानिध्य में रहा हूँ जिनको पद्मभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने लेखनी के माध्यम से खुद की पहचान बनाई। आज पत्रकारिता दूसरी तरफ जा रही है, आज पत्रकारिता पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए एक व्यवसाय बन रहा है, और उस व्यवसाय के अंदर उनको सरकार या राजनीतिक तालमेल के तहत ही उनको पत्रकारिता चलानी है। ऐसे जगह पे क्या आपकी आवाज, क्योंकि हम लोग कौन है, देखिए पत्रकार कौन है, पत्रकार समाज का अंग है, समाज की आवाज है, पत्रकार कौन है, समाज की अंतरात्मा है। और एक बड़ी चीज समझ, आज के समय में हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो आज जब हम बैठ के देखते हैं तो शायद बहुत सरलता से हम पत्रकार बनते हैं, क्योंकि उस समय एक ही माध्यम था प्रिंट मीडिया, और जो प्रिंट मीडिया से लिख दिया गया वो अकाट्य होता था, उस पर कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन आज आप ये समझ लीजिए हर व्यक्ति पत्रकार,
क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला है वहाँ आपकी लिखी हुई चीज़ों को, आपकी रिपोर्ट को, आपके प्रेजेंटेशन का पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम बहुत ही खतरनाक है, आपको उससे भी सतर्क रहना है। एक अच्छा डॉक्टर अगर आप पोस्टमार्टम किया तो हो सकता है आप मरने वाले पोजीशन में हो तो भी वो कुछ समय के लिए आपको सर्वाइव कर देगा, लेकिन एक गलत डॉक्टर के हाथ में पड़ गए तो आपका अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो भी आपको ये कर देगा। तो जो सोशल मीडिया का जो आज पोस्टमार्टम चल रहा है ये पत्रकारिता के लिए, उसी तरह से आप स्ट्रक्चर में पड़े हुए पेशेंट हैं, अगर आप इस चीज को मानते हैं तो ही आपकी पत्रकारिता संभव है, नहीं तो पत्रकारिता संभव नहीं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज नहीं दे पा रहे वो इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर आज यूनिवर्सिटी दे रहा है, और उस यूनिवर्सिटी से जो माइंडसेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लेखनी पे, आपके संवाद पे वो उसका भी असर होगा। तो सुअवसर तो ये है कि आज के दिन में पत्रकारिता का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो शुरू किया था तो हमको सिर्फ ये था कि भाई हमको अपने पेपर 12 पेज भरने हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में उस पेज में भी कोई कंटेंट ये नहीं होता था कि स्पोर्ट्स पेज होगा, ये एंटरटेनमेंट का पेज होगा, ये बिजनेस पेज होगा, नथिंग लाइक दैट। हम लोग कंप्लीट 12 पेज जो है हमारे रिपोर्टिंग से भरे जाते हैं, तब इतने विज्ञापन भी नहीं होते। धीरे धीरे चीजें बदली, 1995 में MBA का सेक्शन आया, वो सेक्शन आने के बाद ये सारे चीजें जो है ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ी, क्योंकि पहले पत्रकारिता जो थी, पहले पत्रकारिता एक भावना था, एक ललक थी। जैसे मैं, मेरा एजुकेशन जो है कम्प्लीटली मैथ से हुआ, मैंने मैथ से एमएससी की, मैं एमएससी करने के बाद मैं जर्नलिज्म किया, तो कोई लड़का नहीं उस समय, हम लोग के समय में इस तरह से कोई पैटर्न नहीं था आर्ट की, ये सारी चीजें जो है वो आर्ट्स के लिए छोड़ दी जाती थी कि जो आर्ट्स पढ़ेगा वो लर्निंग करेगा, एडवोकेट बनेगा, वो UPSC की तैयारी करेगा, बाद में क्वालिफाई करेगा या जर्नलिज्म में जाएगा। साइंस के लड़के को सिर्फ एक ऐसे मार्क किया जाता है, बहुत सिंसियर हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, और ये फोकस करेंगे, ये सीधा वहीं जाएंगे। लेकिन जब 1995 में चीजें आई, और हमारे जैसे व्यक्तिगत तो भी हम आप लोगों को बताएं, हम छात्र नेता भी रहे हैं, साइंस का लड़का छात्र नेता होना मतलब बहुत बड़ा अपराध होता था। छात्र साइंस का लड़का कैसे बोल सकता है? तो नहीं सर, हम लोगों के टाइम में सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं था, उसको बाद में क्रिएट किया गया, हमारे जैसे नालायकों को देख के वो क्रिएट किया गया। सही, मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग उस लेयर के लोग थे जिन्होंने बाउंड्री क्रॉस की, नहीं तो एक एजुकेशन में भी एक क्लियर आपके लिए एक गाइडलाइन होता था, उसी गाइडलाइन में अगर आप चलेंगे, क्योंकि तब के समय में 10वीं पास करना सबसे बड़ा आपके लिए मुश्किल काम था। जो 10वीं पास करता था वो बच्चा पढ़ने वाला माना जाता था, नहीं तो 60-70% लोग 10वीं में रह जाते थे। तो जब 10वीं नहीं पढ़ पाएंगे तो जर्नलिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो उस समय उसी तरह से पत्रकार बनना मतलब खुद को बैराग्य देना है। अगर आपने अपने जीवन को पूरी तरह से समाज सेवा में अगर डाल दिया तो आप पत्रकार बन, क्यों तब आज की पत्रकारिता नहीं, आज की पत्रकारिता को आप लोग समझ सकते हैं नहीं थी। लेकिन 1995 में जब MBA कोर्सेस आए, MBA से लोग निकले तो इसको कमर्शलाइज किए। उसके बाद हिंदुस्तान में शेयर बाजार है, इसको पहले था, लेकिन उसकी जो पॉपुलरिटी हुई, जो उसके प्रति लोग घर घर तक जब पहुंचे तो एक बिजनेस पेज आया। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कई चीज़ों का ये हुआ कि स्पोर्ट्स में लोगों का जागृति हुआ, तो स्पोर्ट्स का पेज आया। फिर मूवी की तरफ लोग बढ़े, फिर इंटरटेनमेंट आया, तो उसके भी अलग अलग कैटेगरी के पत्रकार हुए। जैसे आज के दिन में सबसे ज़्यादा फेमस है पेज थे, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप ने उसको अलग से सबसे निकालना पड़ा, बॉम्बे टाइम्स, पटना टाइम्स, वो प्योरली पेज थी, बड़ा बिजनेस है।
तो मेरा कहने का मतलब इस तरह से है कि पत्रकारिता में हम निकलेंगे, आज के संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ये सोचना है और आपको ये तय करना है बिगिनिंग में, जिस तरह से आप नीट की तैयारी करते हैं, जीई की तैयारी करते हैं, उस तरह से आपको शुरुआती दौर में तय करना है कि आपको कौन सा पत्रकार होना है। क्योंकि 1995 में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रहा, मैं तो पहले गया था आज तक, जो डॉक्टर एस पी सिंह थे उनका स्लोगन होता था खबरें आज तक इंतजार कीजिए कल तक डीडी मेट्रो, और रात को 10 बजे आता था मंडे टू फ्राइडे, लेकिन तब डीडी मेट्रो अब सब जगह अवेलेबल नहीं था, खाली कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जहाँ ये था, क्योंकि इस तरह के संचार व्यवस्थाएं नहीं थी और सारी चीज़ें नहीं थी। वही आगे चल के जी न्यूज ने और इन लोगों ने 24 आवर्स किया आज तक में, तो हमने न्यूज टाइम के लिए काम किया जो अकेला सिंगल एविडेंस था काबिल फैसल का, और हम सभा के सभी रहे, डॉक्टर एस पी सिंह की टीम में भी रहे, उनके साथ में भी काम किया, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हो, लेकिन चूंकि हम लोग प्रिंट मीडिया के इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोग बहुत ज़्यादा उस समय हम लोग को रास नहीं आ रहा था, और उस समय कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था कि यह बनेगी, लेकिन जिन लोगों ने उस समय उसको समझा उन्होंने आगे चल के बहुत नाम कमाया, जैसे आज तो उस हमारे कलीग रहे हैं, वो उसी में रह गए, प्रसून हमारे कलीग रहे तो उसी में रह गए, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया। तो आपको सोशल में आप ये पहले सबसे पहले ये तय करना है कि आप बिजनेस जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पेज 3 एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं, या आपको जनरल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना है जो समाज के साथ में पॉलिटिक्स को देखे, क्योंकि पॉलिटिक्स और समाज वो एक ही, उसमें अभी तक डिवाइडेशन हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं हम लोग भविष्य देख रहे हैं कि वो भी एक दिन आएगा कि समाज अलग होगा और पॉलिटिक्स अलग होगी, जिस तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन वो अभी दूर की सोच हो सकती है हमारी, अभी ये किसी में कितना होगा, लेकिन जितना हम लोग पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि राजनीति में भी वही तरह से सेक्शन होते जा रहे हैं कि व्यवसायीकरण राजनीति में भी हो रहा है, और ये समाज ऐसा है कि हमेशा बट के रहता है, और समाज में हमेशा हर तरह के वर्ग रहते हैं। तो चुनौती आप लोगों के लिए जो है, चुनौती आप लोगों के लिए ये है, आप अंतरात्मा से अगर जर्नलिस्ट बनना चाहेंगे तो आपको स्वतंत्र जर्नलिस्ट ही आपको संतुष्ट कर पाएगा, अन्यथा संस्थान के माध्यम से आप स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर सकते, क्योंकि अब वहां पे भी हम लोग थे, हमारे समय में ऐसा था कि संपादक और संवाददाता इनका एक दूसरे से संवाद होता, अब संपादक जो है वो 3 लेयर के बाद बैठता है, अब एक डेस्क आ गया है, यहाँ जो फील्ड का पत्रकार है वो जूझ करके अपनी रिपोर्टिंग भेजता है, लेकिन अगर डेस्क पे बैठे हुए आदमी की कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसकी रिपोर्ट वहीं रह जाती है, बाद में उसको दिक्कत फील्ड पे यह फेस करनी पड़ती है कि जो जुझारूपन दिखा के उसने रिपोर्ट बनाई वहाँ वो हास्य का पात्र बनता है, तो उसको भी आपको सहन करने की आदत, आपको डालनी भी पड़ेगी, और डेस्क आने के भी अपने रीजन है, क्योंकि अब मैं जब संपादक पद पे बैठा पहुंचा तो हमको भी लगा, क्योंकि जब हम वहां थे तो हमको लगता था कि नहीं कुछ तो ये गड़बड़ है, लेकिन जब हम वहां बैठे, क्योंकि आज इतनी ज्यादा खबर है, इतनी ज्यादा खबर है कि 12 पेज में उसको समाहित कर पाना मुश्किल, और दूसरा जो संस्थान है उस संस्थान के पीछे भी लोग बैठे हुए, क्या आपकी खबर उनको पसंद आ रही है, क्या आपकी खबर उनके लिए सुटेबल है, क्योंकि अब संस्थान को चलाने के लिए कमर्शलाइज होना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए चुनौती जो है वो इस तरह की चुनौती है कि आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, क्योंकि पत्रकार की एक और बड़ी खूबी होती है, जब तक अपने मन का नहीं लिख लेता तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि मैं भी आज कई चीजों में यहाँ वहां भटक गया हूँ,
लेकिन उसके बावजूद भी जब तक कुछ ना कुछ ब्लॉग न लिख लूँ, जब तक कुछ ना कुछ अपने ये आर्टिकल न लिख लूँ, कहीं ना कहीं कोई अपनी चीज़ें न निकाल लूँ, तब तक वो मन में चलते रहता है आज हमें भी लगे कुछ नहीं। तो दृढ़ता आपके सुअवसर को बनाएगा और सहनशीलता आपकी चुनौतियों को जो है वो आपको संभालेगा। तो मूल मंत्र आपके पास यही है कि आप दृढ़ होइए और आप सहनशील होइए और पढ़िए। आज समस्या इस चीज का है, आज समस्या इस चीज का है, फॉरवर्डेड लोग बहुत हैं। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है, जो गहराई से पढ़ाई करते हैं, जो गहराई से स्टोरी बनाते हैं, उनकी स्टोरी चोरी बहुत है। आज लोग बैठे हुए रहते हैं, हम लोग जानते हैं, अब बहुत ज्यादा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, आंतरिक चीज आता है, समाज की आवाज सर समझ लें। एक डिस्कोर्स को इतना करना अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए तो एक डिस्कोर्स को इसलिए आप बने ही उसी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरी वो जिम्मेदारी है तो शायद आप अभी तक अपने कोर्स कंप्लीट नहीं किए। हमने यहाँ पहले ही कहा, आप एक भरोसा है, जो सेक्शन चलता है उस सेक्शन की आवाज को लेके उस सेक्शन को जगह दिलाने का काम तो पत्रकार का है। तो अगर आप उसको आप डिस्कोर्स अगर ये कह रहे हैं तो आपको यही है, जो छूटे हुए लोग जिनकी आवाज कहीं स्थापित नहीं है कौन कह सकते है क्या नैरेटिव। आज जो पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है उसमें जो आपके मैं संस्थान में खड़े होकर कह सकता हूँ, आपका जो सीएम है नैरेटिव क्या है। तो मैं वही कह रहा हूं कि किसी चीज को आज जो चुनौती है तो आपके लिए वही है, हमने पहले ही कहा। विश्वास दिलाता हूं, अभी मुझसे बात हुई, मेरी बात हुई सर से, डॉक्टर आरपी सिंह सर से, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे अनुमति दी है कि मैं उनको ऑनलाइन जोड़ सकूं, और जब भी सर को समय मिलेगा उनके कन्वीनियंस से उनकी सुविधा से हम उनको जोड़ेंगे और आप आपको गाइड करेंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं थोड़े शब्दों में कुछ शब्दों में अपनी बात कहूंगा और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा सर के ही, सर की ही कुछ लाइनों से जो सर ने कहा, अवसर को सफलता में कैसे परिवर्तित करें, संभावनाओं को सफलता में कैसे परिवर्तित करें। ये सूत्र वाक्य हैं, इस कई कई बातें उन्होंने कही, मुझे तो लगा कि ये सभी वाक्य जो है उनका जो उद्बोधन है उसमें कई ऐसे ऐसे वाक्य थे जो मुझे सूत्र वाक्य के रूप में प्रतीत हुए। उन्हीं सूत्र वाक्यों में से एक वाक्य मुझे लगा, अवसर को सफलता में कैसे परिवर्तित करें, पत्रकार की यही उपलब्धि है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, कहा उन्होंने विस्तार से बताया इस विषय पर कि आज से 25-30 वर्ष पूर्व पत्रकारिता का जो स्वरूप था वह आज की पत्रकारिता से बिल्कुल भिन्न था। आज की पत्रकारिता भिन्न है। पत्रकारिता के इस परिवर्तित स्वरूप को सभी पत्रकारिता के सभी विद्यार्थियों को पहचानने की आवश्यकता है और यह पहचान सके हम और तब अपने कैरियर की तलाश करें तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर आरपी सिंह सर ने एक सरल और सुबोध शैली में, मैं कहूंगा बड़े ही सरल शैली में, जो कि इनकी बातें आप लोगों तक पहुंच पाए, मुझ तक तो इनकी सारी बातें एक एक शब्द एक एक वाक्य इनका सारा भाव सब कुछ मुझ तक पहुंचा है और मैं समझता हूं वही बात सामने बैठे लोगों के लिए भी सही होगी, आप लोगों तक भी सारी बातें इनकी सारी बातें जो उन्होंने कही आप तक पहुंची है। इन्होंने पत्रकारिता के सुअवसरों से उस पर मैं विशेष नहीं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा ही है। पत्रकारिता की क्या संभावनाएं हैं, संभावनाओं के साथ साथ आज की पत्रकारिता में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सब के विषय में बड़े विस्तार से बताया। और अंत में मैं यही कहूंगा, डॉक्टर आरपी सिंह, इंडिया टुडे,
आप जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ, आप लोग इंडिया टुडे अभी भी पब्लिश होता है, पर मैं तो उसको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। इंडिया टुडे आउटलुक जब थोड़ा बड़ा हुआ तब आया मेरे जीवन में आउटलुक, थोड़ा बाद में आया, आज भी मैं पढ़ता हूँ इंडिया टुडे आउटलुक। तो इंडिया टुडे और आउटलुक जैसे प्रतिष्ठित जिसके इंचार्ज है डॉक्टर कमल सिन्हा सर, पीयूष कमल सिन्हा सर को भी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे कर्मयोगी को, पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं उनको संभवतः कर्मयोगी ही कहना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान अमूर्त नहीं होता। उनका ज्ञान एक होता है स्कॉलर, मतलब एकदम अमूर्त ज्ञान वाला कभी कभी, लेकिन पत्रकारिता से जुड़े जो लोग होते हैं वो कर्मयोगी होते हैं, उनका कर्म ही उनके ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो मैं पहले मैरून टीम के जो प्रोफेसर इंचार्ज हमारे पत्रकारिता विभाग के हैं कमल सिन्हा सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आरपी सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर ने कैसे पत्रकारिता की पूरी की भावनात्मक रूप से पत्रकारिता कैसे निकली, कैसे लोग पहले पैशन और जुनून से प्रेरित होकर पत्रकारिता करते थे और किस तरह पत्रकारिता की यात्रा यहाँ तक पहुंची जहाँ पत्रकारिता अब एक व्यवसायीकरण का माध्यम बन के रह गई है। इसमें अपनी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने का मात्र एक तरीका, जैसा कि सर ने बोला कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता करें, जब भी आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो आपकी जो विचार होती है, जो आपकी सोच होती है, उस संस्थान से प्रेरित होती है, रेगुलेट होती है, नियमित होती है, नियंत्रित होती है। और सर ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि आपको बहुत बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। जब आप गहन अध्ययन के बाद अपनी लेखनी लिखेंगे तो जो आपको ओरिजिनल राइटिंग आपकी होगी उसको चुराया नहीं जा सकता, अगर उसको लोग चुराते भी हैं तो उस पे आपके व्यक्तित्व का छाप होगा जो कि आपकी लेखनी को आपके व्यक्तित्व से जोड़ेगी और उसको मौलिक बनाएगी। सर आपके इस एकदम व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को ऐसे व्याख्यान में शामिल होने का कम मौका मिलता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव से उपजे ज्ञान को इतने सारगर्भित और इतने कम समय में इतने सिस्टमैटिक तरीके से, हमें आशा है कि हमारे बच्चे भी लाभान्वित होंगे पत्रकारिता के। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे उपस्थित इंग्लिश डिपार्टमेंट की सरिता वीरांगना मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ।